नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर। हमारे फ्रेश सेशन, एक नए सेशन कंसेप्ट यू शुड नॉट मिस के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इसमें जैसे कि नवंबर का मंथ चल रहा है 2017 का, 26 नवंबर, 26th of November 2017 को कैट का पेपर है, और इसके बाद जैट, IFT, मैट, सी मैट, और इसके अलावा GRE, GMAT तो चलते ही रहता है। इन सभी के पेपर्स हैं, तो वो सारे के सारे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ये सारे जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, इससे आपका पढ़ाई को अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा, इट विल बॉल्स परफॉर्मेंस। और जिन बच्चों ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, किस कारण से गड़बड़ हो गए, लूप होल्स आ गए, इन जो क्वेश्चंस को, जो कॉन्सेप्ट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक बार जस्ट गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट्स वंस, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा इससे। फाइन, ये हमारा सिक्स कॉन्सेप्ट है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के ठीक नीचे दिया हुआ है। इसको अगर उसको नहीं देखा आपने तो पहले उसे देख लीजिए, फिर वेलकम, प्लीज कम बैक टू दिस वन। आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले, डोंट वॉच द क्लॉक, डू वॉट इट डज एंड दैट इज कीप गोइंग। तो जिन बच्चों ने पढ़ाई थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, रिगार्डलेस जो कुछ भी है, यहां से हम घड़ी नहीं देखेंगे। वॉट विल डू इज विल टेक वन डे एट अ टाइम। फाइन, चलिए यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये रहा हमारा क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। फैबुलस, थ्री कॉन्जिक्यूटिव दैट टू ऑड नंबर्स दे रखा है इतना। व्हाट इज द सम ऑफ द थ्री नंबर्स? ओके, दीज आर द ऑप्शंस। ये तीन कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तीन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तीन कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स के क्वेश्चंस बहुत फेमस हैं। चलिए ऐसे इसके साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं डील करता हूँ। पहले सबसे बात, अगर मैं तीन नंबर्स, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव लेना है, लेकिन सुनिएगा, अगर मैं सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा तीन नंबर लेता हूँ तो वो हो गया 9, 9, 9। अगर मैं 9 क्यूब देखूँ ना, तो 9 क्यूब आएगा 729। हमको जो चाहिए वो है 53111, 53111 मैन, 6 डिजिट चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये था कि हमारा जो तीन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स जो हम ढूंढ रहे हैं, असंभव है कि वो सिंगल डिजिट नंबर्स हों। चलिए ठीक है, ये तो समझ गए हम लोग। एक काम करते हैं, अगर मैं सबसे छोटा ट्रिपल डिजिट नंबर भी लेता हूँ, मुझे पता है कि ऑड नंबर्स लेने हैं लेकिन सबसे छोटा, चलिए तो अगर मैं सबसे छोटा ट्रिपल डिजिट नंबर भी लेता हूँ तो हमारे पास आएंगे 7 डिजिट्स। बट यू नो वॉट, दिस इज नॉट वी आर सर्चिंग फॉर। ये दो जीरोस, दो जीरोस, दो जीरोस, ना 6 जीरोस और 1 वन, बट हम जो ढूंढ रहे हैं उस चीज में 53111, इसमें है 6 डिजिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने सक्सेसफुल इस्टेब्लिश कर लिया है कि जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो है तीन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स तो है, बट तीन कॉन्जिक्यूटिव 2 डिजिट के नंबर्स हैं। फाइन, तो यहां तक मैंने इस पार्ट को एस्टेब्लिश कर दिया आपके लिए। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो सर, इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये दो नंबर्स होंगे, ये रहे उसके यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, और ये रहा यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस। बिल्कुल सही बात है। अब जब हमको ये बोला गया कि इनके प्रोडक्ट को जब हम कर रहे हैं तो 53111, तो देखिए इस तरह के केसेस में ना यूनिट डिजिट पे एक विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यूनिट डिजिट इन तीनों के यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने से ही आया है। चाहे वो फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट आप देखिए, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट एंड थर्ड नंबर का यूनिट डिजिट, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा जनरेट जो हो रहा है वो नंबर है 53111 का 7। 53111 का जो 7 है वो इन तीनों के तीनों यूनिट डिजिट के मल्टीप्लाई होने से ही आ रहा है। वो क्वेश्चन में बोला गया तीन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, हालांकि हम इसको यहां से एक बार में पिक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं समझा रहा हूं थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए जब हम लोग तीन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो मैंने तीन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के यूनिट डिजिट्स, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इन प्लेसेस के डिजिट्स को कंसिडर किया है, ठीक है। तो मैंने लिया तीन कॉन्जिक्यूटिव में, हो सकता है 135 आ जाए, 357 आ जाए, 579 आ जाए, बट एक बात हम जानते हैं, जब 5 कभी भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आउटकम में यूनिट डिजिट हमेशा आएगा 5। दिस इज नॉट वी आर सर्चिंग फॉर, वी आर सर्चिंग फॉर यूनिट डिजिट 7। हम ये तो ढूंढ ही नहीं रहे, हम ढूंढ रहे 7। तो 5 जब भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है यूनिट डिजिट पे देता है 5, और इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट डिजिट देता है 0। तो ये तीनों तो बाहर हो गए। 7 × 9 को यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 3, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी हो गया गलत। इसका मतलब एक बात तो तय रही कि हमारे यूनिट डिजिट्स होंगे 9, 1 और 3। इसका मतलब हम पहुंच गए यहां तक के, ये हमारे रहे तीन यूनिट डिजिट 9, 1 और 3, क्योंकि जब हम 9, 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 53111 का हम 7 सक्सेसफुली बना पा रहे हैं। करेक्ट है, हम ये तो बना लिए। अब
अब एक काम की चीज अब सुनिए, जिसके लिए मैंने यहां पर डिस्कशन शुरू किया था। आज के बाद कभी भी जब आपको बोला जाए दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का प्रोडक्ट, टेक इट एज एन स्क्वायर। आप बोलेंगे सर ऐसे तो सही, जरूरी नहीं कि सही, मतलब सही तो नहीं होगा ऑफकोर्स। तो हमने कहा था आप इक्वल टू लीजिए, आप यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल लीजिए, इससे आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा बट आपको आंसर का अंदाजा बहुत तगड़ा होगा। जैसे यहाँ पे हमको बोला गया प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, टेक इट इज एन क्यूब। उसमें सोचना क्या है सर, इससे फायदा क्या होगा? देखते हैं, यहीं पे देखते हैं फायदा क्या होगा। लेट्स टेक एन क्यूब इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, मैंने एग्जैक्टली भी नहीं बोला, मैंने बोला ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 53111। ठीक है, चलिए दोनों तरफ क्यूब रूट लगा देते हैं, ये रहा क्यूब रूट। चलिए तो क्यूब रूट लगा देते तो हट गया, खैर यहाँ आगे क्यूब रूट। इससे क्या होगा ना, ये आपको अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में तीन जीरो लगा दीजिए तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि तीन जीरो में से एक 10 बाहर आ जाएगा, तो बेसिकली 531। अब जरा खुद से सोचिए, 7 क्यूब होता है 343, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा आंसर 531 से शुरू हो रहा है, तो 343 तो सवाल ही नहीं उठता। 8 क्यूब होता है 512, हाँ ये थोड़ा सा सही लग रहा है। 9 क्यूब होता है 729, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो एक बात तो तय रही कि ये 729 भी आंसर नहीं है, 343 भी आंसर नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो 8 की सीरीज में। इसलिए मैंने बोला कि आपको एन स्क्वायर और एन क्यूब लेना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी यहाँ पे डाउट आएगा, और यह है कि सर मैं समझ गया 8 की सीरीज आएगी, लेकिन किस तरह से 79, 81, 83 ऐसे आएगी, या 89, 91 एंड 93 इस तरह से आएगी? आप ये पूछो मत, आप एक काम करो ऑलमोस्ट ले लो। मैं आपको यही बता रहा था कि आप ऑलमोस्ट 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 करते करते एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। सोच के देखिए, जैसे कि इसको मैंने ऑलमोस्ट ले लिया 80, दिस इज ऑलमोस्ट 80, दिस इज ऑलमोस्ट 80, यू नो, तो व्हाट इज 8 क्यूब? हमने देखा कि 8 क्यूब क्या होता है 512, और सिमिलरली इसको ऑलमोस्ट ले लिया हम लोगों ने 90, इसको ऑलमोस्ट ले लिया 90, 90 ये भी हो गया, एंड सिमिलरली इसे भी हम लोगों ने ले लिया 90, तो 9 क्यूब क्या हो गया 729। सवाल ही नहीं उठते सही हो, ये रहा अपना आंसर। तो हम बिल्कुल स्टैब्लिश कर दिए कि हमारा आंसर है 79, 81, 83, और जब तीनों को ऐड किया तो हम लोगों के हिसाब से तो आंसर आना चाहिए 243। फाइन, तो एक बहुत ही बेहतरीन जो यहाँ पे लर्निंग निकल गया है वो ये है कि अब आज के बाद जब कभी भी थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोला जाएगा, थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, व्हाट विल डू इज विल विल टेक एन क्यूब। हाँ हम इक्वल नहीं निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम ऑलमोस्ट इक्वल्स निकाल देंगे, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू। एंड एक और पॉइंट जो सीखा हम लोगों ने वो यूनिट डिजिट का इंपॉर्टेंस, तो ये रहा 243 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज समझ में आई, और आपको मैं एक चैलेंज क्वेश्चन देता हूँ, इसको नीचे कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व, इसका आंसर पोस्ट कीजिएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में जरूर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको बनाइएगा या फिर सुनने के बाद देखिएगा। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने, मैंने आपको दो सवाल दिए थे, उन दोनों सवालों का डिस्कशन अभी साथ में कर लेते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा, पूछा था मैंने आपसे कि ए से बी तक जाने के टोटल नंबर ऑफ रास्ते, सच दैट, एक बार वो पुराना वीडियो देख लेंगे तो आपको मैंने रास्ते वाला क्वेश्चन बताया था, वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो आपको ध्यान होगा उस वक्त मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल फैक्टोरियल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल फैक्टोरियल इनटू वर्टिकल फैक्टोरियल। तो चलिए काउंट करके देखते हैं, हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6, तो 7 + 6 = 13 फैक्टोरियल, फैंटास्टिक, डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये अपना आंसर बिल्कुल आ चुका है। आपको ध्यान होगा तो इसके साथ ही मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया था, और वो था चेसबोर्ड का, और मैंने आपसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। कुछ बच्चों का आंसर होगा सर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स तो 64 होंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स का पहले तो मतलब, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स का मतलब ऐसा 1 × 1 वाले स्क्वायर्स भी होते हैं, 2 × 2 वाले स्क्वायर्स भी होते हैं, सिमिलरली 3 × 3 के स्क्वायर्स भी, 4 × 4, एंड सबसे बड़ा ये जो है 8 × 8 का स्क्वायर। मैं आपको एक बढ़िया छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, वो देखिए, कभी भी आपसे आजकल कभी चेस बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कोई पूछे तो 1² + 2² + 3² + 4² up to 8² up to 8² ये हम फ्यूचर में और यूज करेंगे, तब मैं इस वीडियो को एज अ रेफरेंस यूज करूंगा, 7² + 8² अब मुझको उम्मीद है कि आपसे ज्यादातर लोगों को पता होगा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, राइट? तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर जो होता है दैट इज 1/6, एक बार क्या होता है 1/6 एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1, सही है? तो एन की जगह यहां पे पुट कीजिएगा
एट, तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल है 204, 2n+1 इस तरह से। एन की जगह पुट कीजिएगा 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 204, वेरी फेमस आंसर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। फाइन, तो आज के बाद जब कभी कोई आपसे पूछेगा, इससे भी मजे की बात में जो है वो ये है कि अब आज के कोई पूछेगा आपसे चेस बोर्ड है 1x1 का स्क्वायर, ये रहा 1x1 का स्क्वायर 64। आज के कोई आपसे पूछेगा 2x2 के स्क्वायर, ये रहा 49। कोई पूछेगा 8x8 का, एक ही स्क्वायर है। 7x7 का, 2 स्क्वायर मतलब 4। 6x6 के, 3 9। इससे भी एक और अच्छा पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, कभी आपसे कोई पूछे कि भाई टोटल रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे, तो रेक्टेंगल्स जो है पैरेललोग्राम की फैमिली से आता है। अब देखिए यहाँ पे 1x1 के 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हमारे पास 1x1 के स्क्वायर है, अर्थात 9 लाइंस हैं। 9 मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारी की सारी लाइन स्ट्रेट लाइन है। तो मैं आपको एकदम सिंपल सा फंडा बताता हूँ, कभी कोई आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे चेस बोर्ड में, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जितने भी प्रेजेंट है उसमें से कोई भी दो लाइन सेलेक्ट लीजिए, एंड सिमिलरली जितनी वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट है उनमें से भी दो लाइन सेलेक्ट कीजिए। तो हॉरिजॉन्टल C2 माइन मल्टीप्लाइड विथ वर्टिकल C2, तो जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो हमारा मतलब है ये लाइन है 1 2 3 4 5, यहां से लेके आखिरी तक 6 7 8 और ये रहे 9। तो 9 में से कोई भी दो लाइंस, तो 9C2 × 9C2, तो 9C2 × 9C2 करेंगे तो आज 36 स्क्वायर, और 36 स्क्वायर होता है 1296, 1296। फाइन, तो ये हमारा आ गया। कुछ बच्चों को पैरेलल में ये डाउट होगा कि सर जब आप 1296 बोल रहे हैं तो इसमें ये स्क्वायर्स आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं, स्क्वायर्स भी रेक्टेंगल ही होते हैं, स्क्वायर्स भी रेक्टेंगल ही होते हैं। एक और कंडीशन उसमें होती है कि सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो क्या क्या सीखा हम लोगों ने चेस बोर्ड में? अगर आज का कोई पूछेगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स ना चेस बोर्ड, तो हम लोग ये फॉर्मुला यूज करेंगे 1² + 2² + 3² up to 8² ½ n × 2n+1 2n+1 204। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड, हॉरिजॉन्टल C2 × वर्टिकल C2 मतलब 9C2 × 9C2 12 1296। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इन अ चेस बोर्ड, सेम आंसर है। जब हम बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड 1296, उसमें ये 204 इंक्लूडेड है। ये यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे अगली क्लास में। कंप्लीट करने के पहले आपको मिस्टर जिम रॉन के एक बहुत ही बेहतरीन कोट दिखाता हूँ। टू हैव मोर देन यू गॉट, बिकम मोर देन यू आर। सो टू अचीव मोर देन व्हाट यू हैव टू बिकम मोर देन व्हाट यू आर। तो गिव अप नहीं करना, लास्ट तक पढ़ते रहना। तो इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ फिर से मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में मैंने जो आपको चैलेंज क्वेश्चन दिया है उसका जवाब दीजिएगा, और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक सेगमेंट जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में मुझे बताइएगा। अंटिल देन, इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय एवरीबॉडी।